सुनो, अब हम समझने जा रहे हैं मैथ की 5.5। ठीक, ओके, ठीक है ना। 5.5, जो 5.5 है ना, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो पहले। कॉन्सेप्ट फिर तुम सवाल भी करके दिखाओगे। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर को कॉन्सेप्ट, अगर कभी भी कोई फलन बहुत बड़ा हो, कैसा हो, बहुत बड़ा फलन हो, वाई बराबर दे रखा, कोई बड़ा फलन हो, एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, बहुत बड़ा फलन हो जाएगा, 1 2 3 चार चार फलन दे दिए, 5 फलन दे दिए, 7 फलन दे दिए, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए ना तो वहां लेते हैं लघु गुणक का सहारा। लघु गुणक जिसे हम लोगरिथम कहते हैं, तो वहां दोनों पक्षों का हम लोग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? तो जो लोग हो ना, लोग हो, लोग का काम पता क्या हो, लोग का पूरा नाम हो लोगरिथम। लोगरिथम इसे बोलते हैं लघु गुणक, लघु गणक, गणक नाम हो उसका। इसका काम एक ही हो, जो बड़े फलन हो उन्हें छोटा बना देता। लोग का काम पता लगा क्या हो, लोग का काम हो बड़े फलन को छोटा बनाना। ठीक, इसे हम लघु गुणक लेते हैं। इसकी लोग की कुछ प्रॉपर्टी समझेंगे हम। दूसरे नंबर पर समझो कि लोग के हो क्या काम, जो लोग हो ना, लोग एम, ठीक, प्लस के लोग एन। इसे पहला पहला सूत्र लोग का, पहले लोग एक्स की पावर जो एम हो, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एम अगले लेंगे हाथ और सामने लिख लेंगे, तो बैठ जाएगा एम लोग एक्स। याद रखना लोग का सूत्र हो, लोग की प्रॉपर्टी हो, लोग के साथ जो भी चीज घात में होगी ना वो सामने आ जाएगी। ये लोग की खास बात होगी, लोग के साथ जो भी पावर में होगा ना वो सामने आ जाएगा। तीसरे नंबर पर जाओ, तीसरे नंबर पर जो फॉर्मूला होगा ये होगा, जो लोग होगा, लोग के साथ कितनी भी चीज हो जाए, एम एन और पी लिखा हुआ, एम एन पी लिखा हुआ, लोग के साथ तीन चीज गुणा में, तो जोड़ तो चले जाएंगे ऐसे ऐसे। लोग एम प्लस लोग एन प्लस लोग पी, ऐसा। अभी वो कलर नहीं पढ़ रहे, 5.5 में जो बातें यूज होगी वो हम पहले पढ़ा रहे थे। वो लोग एम एन पी को ऐसे लिख सकते हैं, लोग एम प्लस लोग एन प्लस लोग पी, कुछ भी हो कभी, ये लोग की सारी प्रॉपर्टी, लोग के साथ कोई चीज गुणा हुआ ना तो ऐसे जोड़ लिख सकते हैं, लोग एम प्लस लोग एन प्लस प्लस, लोग के साथ जोड़ में तो ऐसा लिख सकते हैं, सभी लोग के नाम का एक लोग लिख लेंगे, जो सामने लिखा हुआ ना यहाँ से, तो सब चीज गुणा में पहुंच जाएगी। सभी नाम लोग के नाम का एक लोग लिख लेंगे, इससे सामने लिखा हुआ ना सब चीज गुणा में पहुंच जाएगी। कौन है हो तुम तो बताओ, होगा कौन है हो, लोग, तो लोग के बारे में ज्यादातर लुगाइयों को जानकारी हो, समझ में आ बात है, ठीक। कौन है हो, और तुम भी कौन हो, अच्छा लोग हो तुम, बढ़िया, शाबाश बेटे, पास। चौथे नंबर पर जाओ, चौथे नंबर पर जो लोग हो ना, लोग एम बटे एन हो, तो लोग जो एम बटे एन हो, इसका सूत्र हो लोग एम माइनस के लोग एन। ऐसी चीजों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लोग एम बटे एन का सूत्र हो लोग एम माइनस के लोग एन। पांचवें नंबर पर जाओ, पांचवें नंबर पर, ठीक है, लोग के सूत्र हैं सारे यूज होंगे, समझ में आई बात यार। ई की पावर जो लोग एक्स लिखा हुआ ना, ई की पावर जो लोग एक्स हो, उसका सूत्र हो एक्स खली, जो लोग के सामने लिखा हुआ आ जाएगा तुरंत सीधा, ई की पावर लोग एक्स का सूत्र हो, ई खली एक्स आ जाएगा। तो इन लोग के कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले यूज होने वाले, ठीक है, इन्हें दिल पर मत लेना ना। किस पर मत लेना ना, ठीक है। पांच हो गए ना। छठे नंबर पर लोग की खास बात और हो, बता क्या खास हो, लोग की घात, लोग में जितनी जीरो हो ना, लोग 10 का मान 1, अगर लिखा है ना लोग 100 लिखा हुआ कहीं को, लोग 100 तो उसका मान बता कितना हो, 2, अगर कहीं लिखा हुआ ना लोग 1000, लोग के सामने जितनी जीरो होगी ना उसका मान होगा तो 3, जितनी जीरो उतना उसका मान होगा, समझ गए, लोग 10, लोग जो जीरो हो ना, लोग जीरो उसका मान हो 1, कितना हो, लोग जो जीरो हो उसका मान 1 हो, और लोग 1 का मान हो 0, कितना हो, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये सारे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट बात। अवकलन, अवकलन का जिसे नहीं पता ध्यान रखना अच्छे तरीके से, जो मैंने पहले ही पढ़ा रखे फॉर्मूले अवकलन के, हमने पूछा कि वाई बराबर बेटे जो साइन एक्स, तो साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन सबको पता होगा, डी वाई पोन कितना, डी एक्स बराबर साइन एक्स का कितना हो, कोस एक्स। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने पढ़ाया था कि जो कोस एक्स हो, कोस एक्स का अवकलन क्या बताया था, डी वाई पोन कितना, डी एक्स बराबर माइनस के साइन एक्स, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था। उसके बाद तीसरे नंबर पढ़ाया था हमने फॉर्मूला टेन एक्स का, कि जो टेन एक्स का उसका अवकलन क्या हो, टेन एक्स का जो अवकलन हो, टेन एक्स का अवकलन डी वाई अपॉन कितना, डी एक्स बराबर टेन एक्स का हो, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, पढ़ाई देने का यार, ये साइन एक्स का कोस एक्स हो, कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स हो, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो, पढ़ाई देनी। उसके बाद और भी पढ़ाए थे देखो फॉर्मूले, और भी पढ़िए पढ़ाए थे, जैसे हमने पूछा कि वाई बराबर साइन कोस टेन कोसैक, कोसैक का क्या हो, कोसैक का कोसैक एक्स का अवकलन, डी वाई अपॉन कितना, डी एक्स बराबर माइनस के कोसैक एक्स, कोसैक्स इंटू कोटेक्स, ये तो उसका अवकलन,
उसके बाद एक और चौथे नंबर का था, पांचवें नंबर का पढ़ाया था, sec x का y बराबर जो sec x हो, sec x का वैल्यू पता क्या बताया था, sec x का बताओ, dy अपॉन dx बराबर sec x का sec x into tan x, सब पता होना चाहिए नहीं तो मार पड़ जाने वाली। छठे नंबर का फॉर्मूला बताया था, छठे नंबर का y बराबर cot x, बताया नहीं cot x, तो cot x का फॉर्मूला क्या बताया था, dy अपॉन dx बराबर माइनस के cosec स्क्वायर x, ये बताया था। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ये सब हम पहले तुम्हें पढ़ा चुके हैं, यूज होंगे इसमें। उसके बाद आ जाओ देखते हैं कितना ध्यान हो तुम, पिछले एक्सरसाइज में ये फॉर्मूले पढ़ाए, पिछले एक्सरसाइज में फॉर्मूले पढ़ाए थे, कितने हो गए थे, चार हो गए, पांच हो गए थे, छः, छः के बाद सातवां, वाई बराबर लिखा हुआ कहीं कुछ साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स जो एक्स था ना, इसका फॉर्मूला पढ़ाया था, डी बाई अपॉन कितना डी एक्स बराबर वन अपॉन रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर, ये पढ़ाया था पिछले एक्सरसाइज में फॉर्मूला दूसरे नंबर पर। उसके बाद वाई बराबर लिखा हुआ ना कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला पढ़ाया था डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वन अपॉन, इसी फॉर्मूले के सामने माइनस आ जाएगा, रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर। तीसरे नंबर का फॉर्मूला पढ़ाया था टेन एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का, वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स बराबर डी वाई अपॉन कितना डी एक्स बराबर वन अपॉन वन प्लस के एक्स स्क्वायर, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था फॉर्मूला, हो ये सारे फॉर्मूले पढ़ाए थे, नोट करो इन, यहाँ तक सब नोट करो। आज हम पांच, अभी 5.5 ने स्टार्ट करी, 5.5 के अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला वो सभी स्टार्ट कर दिया। समझ में आया कैसे करना है, समझ में आया है कैसे करना है, समझाया तुमको, अभी तुमको बताएंगे कैसे लेना है, लोग कैसे लेते हैं, ठीक है, बताएंगे तुमको, तुमको साफ करने वगैरह का पेज देना था, नहीं तो हमको आता है, तो अब देखते हो तुम कैसे बताते हो कि लोग लेते कैसे हैं और लोग देते कैसे हैं, 5.5 में कैसे यूज करोगे उसका, कितना यूज करना कितना नहीं यूज करना, कि सवाल कैसे करने, 5.5 कैसे उड़ा दोगे आप, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सुनो 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 अच्छे तरीके से, ठीक आ जाओ, क्या कर वाई बराबर कुछ भी दे रखा हो, कुछ मतलब कुछ भी, U की पावर भी इस तरह दे रखा, पावर की पावर 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 की पावर 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 ऐसा दे रखी, तो उसमें क्या करोगे, पावर की पावर पावर दे रखी, तो फलन बड़े नहीं होंगे, जब फलन बड़े हो जाएंगे तो वहां क्या लेना पड़ेगा, लोग, ठीक है, लोग लोग लेके दिखाते हैं, दोनों पक्षों का लोग लेने पर, दोनों पक्षों का सवाल नहीं है कोई, जनरल कैसा हो एक प्रकार, दोनों पक्षों का लोग लेने पर, ले लोगे ले लो लोग, इसके सामने लोग लगाओ, लोग वाई बराबर लोग यू की पावर कितना वी, ये वी है ना सामने ले आओ, ये तो बैठा का लोग वाई बराबर वी लोग यू, ठीक है, तो कुछ समझ में आया, इसे पहला फलन मान लो, इसे दूसरा फलन मान लो, कौन दिक्कत छो, इसका लोग वाई का अवकलन करोगे कितना बैठेगा, एक बटा वाई, अब वाई का करोगे डी वाई पॉइंट डी एक्स, सही है, पहला फलन झुका तू, दूसरे फलन का जब अवकलन करोगे एक बटा यू बैठेगा नहीं, इंटू फिर यू का अवकलन करेंगे तो बैठेगा यू डैस, उसे यू डैस मान लो, एक एक चीज का अवकलन करना, देखो पहले वी तो जो को तो लिखा है, इसका जब अवकलन करा ये नहीं आया, इसका करोगे तो एक बटा यू आगा, यू का करोगे तो यू डैस आगा, प्लस लगाया प्लस, उसके बाद क्या करोगे, इस बार लोग यू को जो तो लिखोगे जैसा आया था लोग यू, वी का कर दोगे तो वी डैस ब्रैकेट क्लोज, कोई दिक्कत है, किसका मान निकालना, डी वाई बटा डी एक्स का अवकलन नहीं तो निकालना, डी वाई बटा डी एक्स जनरल केस लिया हमने, इसके देने फिर बहुत सारे सवाल करेंगे, अब बच्चे बहुत लोंग लोंग कर, लोग नहीं करने का, जो बताऊंगा सिर्फ वो करना, समझ में आई बात है, झटके से सवाल कर दोगे, झटके तो कैसे कर दोगे, झटके तो वाई, ये वाई यहाँ चला जाएगा, ये वाई यहाँ चला जाएगा ना, ऐसा दिखाई देगा वी अपॉन यू, वी अपॉन यू इंटू यू डैश प्लस के लोग यू इंटू वी डैश, कोई दिक्कत यहाँ था, यहाँ किसका मान लिखना, वाई का, वाई का मान कितना, यू पावर वी, डी वाई अपॉन कितना डी एक्स बराबर वाई का मान कितना यू की पावर वी, यू की पावर वी, तो वी अपॉन कितना बैठेगा यू, इतना कितना बैठेगा यू डैश, यानी जो चीनी चिन्ह उसको गलन लिखना, प्लस कितना बैठेगा लोग यू इंटू वी डैश, इतना बताओ, समझ में आया नहीं आया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ऐसे करने पड़ते हैं सवाल, ऐसे सवाल करने पड़ते हैं, ठीक, लेकिन ऐसा करना नहीं, इसे इसे दिमाग में फॉर्मूला याद कर लो, ये फॉर्मूला निकल गया, ये फॉर्मूला इसे याद कर लो, सूत्र 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 याद कर लो, एक प्रकार से जब भी वाई बराबर ऐसा हो ना, यू की पावर वी, फलन की पावर फलन हो, फलन की पावर फलन, जी एक्स की पावर एफ एक्स, कुछ भी हो, लोग एक्स की पावर एक्स हो जा, साइन एक्स की पावर कोस एक्स आ जा, ऐसे सवाल लोग, तो उसमें बार बार लोग लेने जो होते हैं, सीधे वाला फॉर्मूला लगाओ,
सीधा वाला फॉर्मूला हो, उसे याद कर लो। जब इसका सवाल करना हो तो सूत्र याद कर लेना, और सूत्र पता क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर यू की पावर वी। पहले से यू को तू लिखना, फिर वी के बटे में यू लिखना, वी बटे में कितना लिखना यू, जो चीज यहाँ लिखोगे इन टू लगाकर नीचे का यहाँ कलन लिखोगे, नीचे निचली चीज का यहाँ कलन लिखोगे, प्लस लगाओगे, फिर लिखोगे लोग, लोग के साथ लिखोगे यू इन टू जो ऊपर डाला था ना उसे यहाँ वी डैश लिख देंगे, यहाँ वी डैश लिख दो, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। इतना बताओ समझ में आ नहीं है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक चलते हैं। उसके बाद यू पावर वी, वी अपॉन यू, यू डैश प्लस लोग यू इन टू वी डैश, यस और नो। इतना करने के बाद, इतना करने के बाद आपने क्या करना, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे करना, क्वेश्चन बच्चे बहुत लोग करते हैं, क्वेश्चन याद रखना बात, या लोग नहीं करने का फॉर्मूला लगाना सीधा, वाई बराबर लिखा हुआ लोग एक्स पूरी पावर लिखा हुआ एक्स, ऐसे लिखा हुआ फलन की पावर फलन। अगर ऐसा करोगे ना तो तभ्यंतर वही आएगा, और सीधा सूत्र याद रखो, पेपर में जब करोगे ना ये सवाल आया इसका, इसमें क्या आएगा, डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालना, जब फलन की पावर फलन हो ना तो तभी फॉर्मूला लगाकर आराम से काम हो जाएगा। कैसे करोगे सर, मैं ऐसे करूंगा सर, लिखूंगा सूत्र, और सूत्र की से यहाँ जो का तो उतार दूंगा। अब देखो इसे मान लूंगा दिमाग में वी, इसे मान लूंगा यू, ये वी का मान है, ये यू का मान है, भर दो भर दो, डरे क्यों, डी वाई अपॉन कितना डी एक्स बराबर क्या कहा था, जो जो का तू होगा, जो का तू लिख देना, तो जो का तू लिखो जैसा आया था, लोग एक्स पूरे पावर क्या है, यू पावर वी, क्या है यू पावर क्या है वी, तो जो का तू लिख दो ना, क्या दिक्कत हो रहा। उसके बाद क्या बताया था, वी के बटे में यू लिखना, वी के बटे में यू लिखना, वी का मान कितना एक्स इंटू यहाँ के यू, यू लिखना लोग एक्स इंटू क्या लिखना, आप यहाँ जो रिजी नीचे लिखी है ना उसका वाला लिखना, लोग एक्स का वाला नहीं, बट एक्स नहीं होता प्लस, वैसे लोग बहुत लोग करेंगे याद रखना बात है, सब लोग करेंगे सब। उसके बाद यहाँ क्या लिखना, लोग किसका मान लिखना, यू का मान होता है, यू का मान लोग एक्स रेड में, लोग एक्स इंटू वी का अवकलन, एक्स का वाला नहीं कि नहीं होता, आंसर आएगा एक लाइन में उत्तर आएगा सबका, ये सूत्र लगा के लाइन में उत्तर आएगा। एक और देखो सवाल, वाई बराबर लिखा है, वाई बराबर एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर तो यू पावर यू, यू पावर भी नहीं आ गया हो तो करो डी वाई अपॉन कितना डी एक्स, सूत्र लिख देना तुम अपने जाकर, तो यू मैं तो एक्स की पावर एक्स तो सेम लिखूंगा, फिर एक्स के बटन में क्या लिखूंगा, एक्स लिखूंगा, एक्स का वलन कर दूंगा एक आ जाएगा, प्लस लोग लगाऊंगा, लोग के यहाँ यू का मान लिखूंगा इंटू एक्स का वलन कर दूंगा एक आ जाएगा, तेरा भला। डी वाई अपॉन कितना डी एक्स बराबर एक्स की पावर कितना एक्स ब्रैकेट थर्ड थर्ड वन प्लस के कितना बैठे का लोग एक्स, इसे याद कर लेना, रट लेना सर, जब भी पूछू ना एक्स की पावर एक्स का वलन क्या होगा, एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस के लोग एक्स, एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस के लोग एक्स, एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस के लोग एक्स, एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस के लोग एक्स, पूछूंगा कि एक्स की पावर एक्स का वलन क्या हो, एक्स की पावर वन प्लस के लोग एक्स, समझ गए कैसा आया वो पता लग रहा है, सूत्र जिसे याद होगा ना वो नहीं मान खटेगा। सवाल देखो कौन कौन से करके लेगा, निशान लगाओ जो सवाल करके लेगा, नहीं 5.5 बताए जो नहीं हुए थे फिर बता दूंगा मैं, तीसरे सवाल पर निशान लगाओ, तीसरे पर, चौथे सवाल पर निशान लगाओ, चौथे के बाद है सातवा, छठा, आठवा, नौवा, दसवा, ग्यारहवा, बारहवा, तेरहवा, चौदहवा, पंद्रहवा, ये सवाल करके लेगा ना, एग्जाम्पल पर चल जाओ, एग्जाम्पल नंबर 31, 32, 33, 31, 32, 33। कल हम इस एक्सरसाइज के इन सवालों के हम प्रॉब्लम ले रहे होंगे, कल एक्सरसाइज समाप्त कर लेंगे, करके लेकर आने, आज के लिए इतना ही रखते हैं।